सर वो असल में प्रॉब्लम ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी बहरहाल एक पॉलिटिकल जमात ही, चाहे एक सीट की चाहे तीन सीटों की पॉलिटिकल जमात थी, तीन दफ़ा उनके साथ मुज़ाकरात करके दो मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं वो बैकआउट कर गईं, तो उनका भी एहतजाज का हक था। तो हमारा भी एहतजाज का हक था, हमने राइट तो जब आपके, मैं ये कह रहा हूँ जब आपका जमाना था तो आपने भी ताकत इस्तेमाल की, अब आपका जमाना नहीं है तो आपके ऊपर भी हो रही। बिल्कुल नहीं जी, जो कुछ भी हुआ देखें, मेरी गुजारिश सुने, हर चौक पर उनसे मुज़ाकरात की कोशिश की गई। अब ये बातें मुनासिब नहीं है शेख साहब। एक बात तो पूछ सकता हूँ ना मैं कि दो बातें पूछता हूँ। एक तो ये है कि साद रिजवी साहब को बगैर वजह के गैर कानूनी तौर पे हिरासत में रखा गया था, उनका तो 90 दिन का रिमांड भी खत्म हो गया था, उसके बाद उनको रिहा होना चाहिए था क्योंकि तब तक चलान ही पेश हुआ था। मुझे जवाब देने दें। जब से मैं पैदा हुआ हूँ इस 70 साल की उम्र में, 16वीं वजारत में तीन मेरी बहनों के घर रेड हुए, जो दुकानदारों की, अब तो वो दादियां हैं, मेरा मतलब है हम शेख हैं, मिर्च हल्दी का धागे का काम दुकानें हैं हमारी, ऐसी ऐसी जगह पे रेड हुए हैं जिनका सियासत से तल्लुक कोई नहीं था।